हेलो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक और नया खूबसूरत सा डिज़ाइन और ये मैंने बनाया है साड़ी से तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ली है नौ नंबर की सिलाई तो आप इसे छः नंबर की सिलाई से भी बना सकते हैं सात से भी बना सकते हैं तो मेरे पास नौ नंबर की सिलाई है और ज़्यादातर जो साड़ी या कपड़ों से जो डिज़ाइन बनाना होता है वो मैं नौ नंबर की सिलाई से ही बनाती हूँ तो सबसे पहले आपको साड़ी की पतली पतली पट्टी निकाल लेनी है साड़ी की जितनी पतली पट्टी होगी ये डिज़ाइन उतना ही अच्छे से बनकर तैयार होगा तो अब हमें डालने हैं फंदे तो हर वीडियो में मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं फंदे कैसे डालती हूँ तो फिर भी अगर आपको किसी और तरीके से फंदे डालने आते हैं तो आप ऐसे भी फंदे डाल सकते हैं ज़रूरी नहीं है जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही फंदे डालें तो मुझे इसी तरह से ईजी लगता है तो इस तरह से हम अंगूठे से आ, ऐसे नोट को सलाई में डालेंगे और दूसरा धागा हम उसमें अंदर से निकाल देंगे तो इस तरह से हमारे जो फंदे हैं अच्छे से डलते हुए चले जाएंगे तो लगभग मैंने यहाँ पर लिए हैं बीस फंदे और ये जो डिज़ाइन है मैं आपको बीस फंदों में बता रही हूँ और साथ में एक और अलग कलर लेना है ये मैंने लिया है ऑरेंज कलर की साड़ी की पट्टी तो इससे हम सिर्फ एक ही फंदा डालेंगे तो एक ही फंदा कैसे डालना है तो इस तरह से आपको एक नॉट लगानी है देखिए जैसे हम करोशिए से बुनते हैं तब हम नोट लगाते हैं वैसे आपको नोट लगाना है ये देखिए इस तरह से हमें एक छोटी सी नोट लगा लेनी है और इस एक फंदे को भी हम इसमें डाल लेते हैं तो अब हमारे पास टोटल हो गए 21 फंदे तो आप जितना मर्जी बड़ा बनाएं अगर आप 20 फंदे हैं तो सीधा डबल भी बना सकते हैं 40 फंदों का ये मैं जस्ट आपसे डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने 20 फंदों में आपको डिज़ाइन बता रही हूँ बाकी कितने फंदे लेने हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डेफिनेटली मैं आंसर दूंगी आपको तो देखिए इक्कीस फंदे मैंने डाल लिए हैं तो आपको पहली ही सिलाई पर फंदा बढ़ाना है तो फंदा कैसे बढ़ाएंगे सिलाई के पीछे से इस तरह से धागे को निकालना है और जो फंदा हमने डाला था उसे हम ऐसे बुन लेंगे तो एक से हमारे दो फंदे हो गए और अब जो ब्लू के बीस फंदे हैं उसमें से एक फंदा हम इस ऑरेंज कलर से बुन लेंगे ये देखिए मैंने बुन लिया है अब हमारे पास तीन फंदे हो गए और ये देखिए एक ये जो फंदा हमने बढ़ाया था ये हमने फंदा डाला था और ये फंदा हमने एक फंदा ब्लू का बुना है अब हमारे पास ब्लू के फंदे रह गए हैं उन्नीस और उन्नीस में से हम सत्रह फंदे ही बुनेंगे और सत्रह फंदे बुनने के बाद जो लास्ट के दो फंदे हैं वो हम छोड़ देंगे तो जो धागा हमारा बच गया था फंदे डालते टाइम उसको हम इस धागे में इस तरह से लपेटते हुए आगे इस तरह से बुनते हुए चले जाएंगे, ताकि जो डिज़ाइन है थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ हमारा बनकर तैयार हो जाए ये देखिए इस तरह से लपेट लेना है और इस तरह से हम बुनते हुए चले जाएंगे। ये बाद में इसको सीज़र से कट कर देंगे जो बच गया है तो 19 टोटल हमारे पास 20 फंदे थे ब्लू के 20 में से एक हमने ऑरेंज बुन लिया और 17 फंदे हम बुन लेंगे और लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे लास्ट में आप दो फंदे भी छोड़ सकते हैं तीन फंदे भी छोड़ सकते हैं अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो तीन फंदे छोड़िए क्योंकि हम ये गोलाकार में बना रहे हैं सर्कल बना रहे हैं तो लास्ट में जितने फंदे आप छोड़ोगे दो छोड़ो तीन छोड़ो तो उतना ही ये डिज़ाइन है बनकर अच्छे से तैयार होगा तो देखिए ये डिज़ाइन मैं छोटा ही बना रही हूँ तो इसलिए लास्ट में मैंने दो फंदे छोड़ दिए हैं और पहला फंदा हम उतार लेंगे और मैं आ गई हूँ सीधी तरफ सीधी तरफ जो फंदा जिस रंग से है वैसे ही बुनना है यहाँ पर कोई भी फंदा ना ही हमें बढ़ाना है ना ही घटाना है और ना ही कोई कलर चेंज करना है तो जो फंदा जैसा है वैसा ही बुन लेना है ये देखिए ब्लू के सारे फंदे बुन लिए ऑरेंज से बुनने से पहले जो ब्लू का धागा है वो उसको पीछे की तरफ करेंगे और ऑरेंज कलर की जो पट्टी है उसे आगे करेंगे और ये जो तीन फंदे हम ऑरेंज कलर से बुन लेंगे मैंने लगभग दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से तो अब एक फंदा हम और बढ़ाएंगे ये देखिए फिर से आ गए हैं मल्टी तरफ और एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई तो हर सिलाई पर ऑरेंज के दो फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे यानी कि एक फंदा तो हम बढ़ाएंगे और एक ब्लू का फंदा हम ऑरेंज बुनेंगे लेंगे तो देखिए यहाँ पर एक फंदा हमें बढ़ाना है धागे को सिलाई के पीछे से लेकर बुनना है फंदे को अब ऑरेंज के हमारे पास हो गए हैं पाँच फंदे ब्लू का एक और फंदा बुन लेंगे तो ये देखिए ऑरेंज के हमारे पास पांच फंदे हो गए और पहले दो फंदे हमने छोड़ दिए थे अब फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे और बाकी फंदों को हमें बुनते हुए चले जाना है ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी है और बुनकर भी जल्दी तैयार होता है तो इसीलिए आप ज़रूर ट्राई करें घर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ये देखिए दो फंदे ये पहले छोड़े थे दो फंदे अब हम फिर से छोड़ देंगे तो चार फंदे हमने छोड़ दिए और हमारे लगभग चार सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी अब हम आ गए हैं सीधी तरफ और सीधी तरफ बुनना है पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी फंदों को ऐसे ही बुनना है सीधी तरफ कोई फंदा नहीं बढ़ाना है ना ही घटाना है ना ही यहाँ पर हम कोई कलर चेंज करेंगे फंदे का जो जिस रंग से बुना हुआ है वैसे ही हम बुनते हुए चले जाएंगे तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है ये देखिए यहाँ पर अब हमें ऑरेंज से बुनना है तो वो कैसे बनेंगे यहाँ पर धागों को हमें क्रॉस कराना है ब्लू का धागा इस तरह से पीछे लेकर आएंगे, और इस तरह से ऑरेंज का धागा आगे लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर गैप नहीं आएगा धागे को थोड़ा सा टाइट ही खींच के रखना है ताकि गैप ना आए और बाकी फंदों को भी ऑरेंज से हम इस तरह से बुन लेंगे ये देखिए हो गया है हमारा डिज़ाइन कंप्लीट तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाना है और यहाँ से भी एक और ब्लू का फंदा ऑरेंज करना है और पीछे से दो दो फंदे हम छोड़ते हुए चले जाएंगे ये फिर से दो छोड़ देंगे फिर से दो छोड़ने हैं और यहाँ से एक फंदा बढ़ाना है एक एक फंदा ब्लू का ऑरेंज करना है तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए व्यूअर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर लगभग छः फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदे बढ़ाए थे और यहाँ से दो दो करके फंदे मैंने छोड़े हैं तो दो दो करके लगभग बारह फंदे मैंने छोड़ ये दिए ये देखिए यहाँ पर यहाँ तक मैंने फंदे छोड़े थे बारह फंदे और यहाँ पे छः फंदे हमारे बढ़ गए थे तो जैसे फंदे हमने बढ़ाए थे वैसे ही हमें घटाने हैं तो पहले दो फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे तो एक फंदा हमारा घट जाएगा बाकी ऑरेंज के फंदों को बुन लेंगे आधी पत्ते का डिज़ाइन पूरा हो चुका है हमारा और देखिए लास्ट का जो ऑरेंज का एक फंदा है ये हमें ब्लू से बुनना है ये जो फंदा है लास्ट का इसे हम बुनेंगे ब्लू से तो पहले हमने फंदे बढ़ाए थे ब्लू के फंदे ऑरेंज से बुने थे और अब ऑरेंज का एक एक फंदा हम ब्लू से बुनते हुए चले जाएंगे और यहाँ से दो फंदे हम उठा लेंगे तो बारह फंदे हमने छोड़े थे तो दस फंदे वैसे ही रहने देंगे और उसमें से हम दो फंदे हम उठा लेंगे सीधी तरफ से आपको कुछ नहीं करना है सीधी तरफ से हम वैसे ही बुनते हुए चले जाएंगे ये देखिए यहाँ से हमने फंदा घटाया था ये देखिए इस तरह से जो डिज़ाइन है वो ऐसे पहले घटाना है और फिर हम बढ़ाएंगे तो अब हमें फिर से दो फंदों को एक साथ बुनना है एक फंदा फिर से घट गया बाकी सारे ऑरेंज फंदों को ऐसे ही बुनना है और लास्ट का जो एक ऑरेंज फंदा है उसे हम ब्लू से बुनेंगे ये देखिए जो लास्ट का एक फंदा है इसको हम बुनेंगे ब्लू से और बाकी फंदों को भी बनना है यहां से दो फंदे उठाने हैं तो इन दो फंदों को उठाने से पहले बीच में से एक फंदा हम उठा लेंगे ताकि जो बीच में जो गैप है वो ना आए बीच में जो जाली है वो ना पड़े तो देखिए और दोनों को एक साथ बुन देना है तो ये दो फंदे हमने फिर से उठा लिए तो व्यूअर्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसी तरह से दो दो करके फंदे उठाने हैं और यहाँ से दो फंदों को एक साथ बुनकर फंदों को घटाना है और यहाँ से एक फंदा हम ब्लू से बुनते हुए चले जाएंगे ये सारे फंदे भी हमें दो दो करके से उठा लेने हैं तो ये देखिए मैंने जो पत्ते का डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लिया है तो आप चाहो तो इन दो रंगों से ही पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो तो यहाँ पर मैं अब अलग कलर लेने वाली हूँ तो ये देखिए ये मैंने दूसरा कलर ले लिया है और अब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे तो जो ऑरेंज का फंदा है वो हम ऑरेंज से ही बुन लेंगे ये देखिए ऑरेंज का फंदा ऑरेंज से ही बुन लिया और बाकी के जो ब्लू फंदे हैं इन सब को हम दूसरे रंग से बुनाई कर लेंगे ये देखिए जो मैंने दूसरा कलर लिया है वो लाइट कलर लिया है क्योंकि क्योंकि बाकी के जो दो कलर हैं वो डार्क हैं और इनके साथ एक लाइट कलर अच्छा लगेगा तो देखिए बाकी के जो ब्लू फंदे हैं वो सारे हम इस रंग से बुन लेंगे सारे के सारे बीस फंदे हम बुन लेंगे तो आपको जो भी नया कलर ऐड करना है वो हम उल्टी तरफ से ही ऐड करेंगे और सारे फंदों को इसी तरह से बुनते हुए चले जाना है ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन हमारा ऐड हो गया एक उल्टी तरफ से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है अब हम सीधी तरफ़ से भी इसी तरह से पूरी सिलाई को बुन लेंगे यहाँ पर हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है ना ही घटाना है पूरी सिलाई को इसी तरह से बुन लेना है तो पहला फंदा उतार लिया धागे को आगे किया और बाकी के उन्नीस फंदे हम इसी तरह से बुनते हुए चले जाएँगे तो ये मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है ये देखिए व्यूअर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है अब हम आ गए हैं फिर से उल्टी तरफ तो अब हमें जैसे हमने इस पत्ती में ऑरेंज कलर का जो एक एक फंदा था वो बढ़ाया था वैसे ही बिल्कुल इसमें करना है यहाँ पर देखिए ऑरेंज से एक फंदा हम बढ़ाएंगे सलाई के पीछे से घुमाते हुए बुनना है और यहाँ से एक फंदा हम ऑरेंज का बुन लेंगे और बाकी के जो फंदे हैं उनको हम इसी कलर से बुनते हुए चले जाएंगे तो हर बार ऑरेंज के दो फंदे बढ़ जाएंगे और पीछे से हमें दो दो फंदे छोड़ने हैं ये देखिए लास्ट लास्ट के जो दो फंदे हैं हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हमें पलट जाना है पहला फंदा उतार लिया और बाकी फंदों को ऐसे ही बुनना है ये देखिए हम आ गए हैं फिर से उल्टी तरफ जैसे हमने ये पत्ती बनाई है वैसे ही हमें कंप्लीट ये पत्ती बनानी है यहाँ पर जैसे जो ब्लू के फंदे हैं और यहाँ पर फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे और यहाँ पर फंदे हम छोड़ते हुए चले जाएंगे पीछे से दो दो फंदे तो जैसे ये हमने डिज़ाइन बनाया है वैसे ही पत्ते का दूसरा डिज़ाइन बनाना है तो देखिए व्यूअर्स ये मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है तो अब हमें ये देखिए इस तरह से जो कलियां हैं वो लगभग आठ कलियां मेरी बनकर तैयार हो गई हैं तो इस ये आठ कलियों का डिज़ाइन बनकर तैयार होगा तो ये मैंने बीस फंदों में बनाया है आप चालीस फंदों में भी बना सकते हैं तो चालीस फंदों में बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनकर डिज़ाइन तैयार हो जाएगा मैंने जस्ट ये वीडियो बनाने के लिए छोटा सा डिज़ाइन बनाया है तो देखिए हमें अब फंदे जो घटाने कैसे हैं दो फंदों को हमें एक साथ बुन लेना है ये देखिए दो फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे और ये हमारा फंदा घट गया इस फंदे को वापस से उसी सिलाई में डाल देंगे और फिर से दो फंदों को एक साथ बुन लेना है एक फंदा हमारा फिर से घट गया अब इसी फंदे को वापस से उसी सिलाई में डालकर दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे तो इस तरह से जो हमारे फंदे हैं सारे घटते हुए चले जाएंगे और ये जो हमारा डिज़ाइन है वो बंद होता हुआ चला जाएगा तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये देखिए इस तरह से जो हमारा डिज़ाइन है वो ऐसे कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा ये इस तरह से जो बंद होता हुआ चला जाएगा डिज़ाइन बाक़ी फंदों को भी हमें इसी तरह से बुन लेना है देखिए लास्ट में रह गया है एक फंदा तो यहाँ से हम कट कर लेंगे यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक नॉट लगा देंगे ताकि ये जो डिज़ाइन है वो उधड़े नहीं ये देखिए इस तरह से बंद हो गया डिज़ाइन अब हमें करना है इसको सिलाई तो सिलाई कैसे करेंगे हम इसको ऐसे उल्टा करना है और दोनों सिरों को इस तरह से पकड़ लेना है ये जो धागा है ये हम सिलाई में अंदर ले लेंगे ताकि नज़र ना आए तो देखिए जो धागा है इस हमें इस तरह से डिज़ाइन को मैच करना है और सुई में धागा डालकर इस तरह से इसको सिलते हुए चले जाना है ये देखिए इस तरह से हमें सिलना है व्यूअर्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे पास क्वेश्चन आता है और मैं डेफिनेटली उनका आंसर देती हूँ तो आप मेरा कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं तो आपको कितना बड़ा बनाना है कितने फंदे लेने हैं तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो इस तरह से हमें सिलाई करनी है और हमारा जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाएगा तो इस डिज़ाइन का जो लुक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैक साइड से इसका जो लुक है वो इस तरह से आएगा और जो फ्रंट है वहाँ से इसका जो लुक है इस तरह से आएगा तो आप ज़रूर ट्राई करें इस डिज़ाइन को एंड थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो